अरे ट्यूवी भैया, बहुत संभाल के रहो, पलट जाती है चलते फिरते। यूपी पुलिस वाली होती है ना, तो ऐसे एकदम मस्त पलट जाती। 80 तो अपनी गाड़ी को मैं यूं चढ़ा देता हूँ, ये चढ़ गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज इतने दिन बाद, मतलब बारिश के बाद जो थोड़ी सी धूप निकली है, तो अपनी गाड़ी की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है कि आप देखिए, बारिश में इतनी ज़्यादा गाड़ी चली है कि यहाँ से लेके साइड से ऊपर से हर जगह से गाड़ी हद से ज़्यादा गंदी है। तो पहले आज अपनी गाड़ी को धोएंगे वहाँ पर ऊपर चढ़ा के, और फिर कहीं घूमने निकला जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पर घूमने चलते हैं, और तब तक आप इसके सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए। अपनी गाड़ी भी धो चुकी है, मैं भी धो चुका हूँ, मतलब मैं भी नहा धो चुका हूँ। तो अब चलते हैं बाहर, मस्त कहीं गेड़ी मारा जाएगा। दो तीन चीज़ें अपने सेटअप की रख लेते हैं कार में, क्या पता कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए। देखिए कि हेलमेट माउंट है, एक माइक है, छोटा सा ट्राईपॉड है, ये लंबा वाला ट्राईपॉड है, ये बॉटल। देखिए मतलब गाड़ी में बैठेंगे तो बॉटल वॉटल गाड़ी के अंदर एकदम डस्टबिन बना देते हैं गाड़ी को। पत्थर पटाया जाए, इसको यहाँ पर रख देते हैं कि एक बार देख लूँ कार न्यूट्रल तो नहीं है कहीं। नहीं है, चलो। पता है एक चीज़ मैंने कार साफ करते टाइम नोटिस किया कि ये जो मिरर वगैरह होते हैं, जितनी भी ये ग्लास हैं, तो इस साइड वाला देखो मैंने पेपर से साफ किया है, एकदम साफ है। इधर वाले को देखो मैंने कपड़े से साफ किया है। देखो हल्का से देखो, ये गंदा गंदा टाइप सा लग रहा है कि जैसे ऐसे साफ किया हुआ इसमें दिख रहा है। पेपर से कांच बहुत सही साफ होता है, देख रहे हो, लग ही नहीं रहा है कि कांच लगा भी है इसमें। तो चलो चलते हैं ब्रो। अब हैरियर हो और ऐसी डार्क हो, मतलब टाटा हैरियर डार्क एडिशन जो होती है, और इसमें देखो नंबर है 22BH वाला, और डार्क एडिशन बहुत गजब लगती है, एकदम छोटी फॉर्चुनर। इसीलिए देखो कई यूट्यूबर्स इस समय टाटा हैरियर ले रखे हैं। जस्ट अभी मैं एक ऐसी छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुंचा और मेरी नज़र पड़ी मेरे मीटर पर, तो आज हैप्पीली अपनी गाड़ी 28,000 किलोमीटर कम्प्लीट हो चुकी है। अब आज ही मैंने गाड़ी धोई है यार, चलो गंदी तो नहीं हुई है। देखो यहाँ पर ऐसे एकदम सूरज चढ़ रहा है, ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़। और ये खड़ी है अपनी, यार अपनी गाड़ी का कुछ नाम रखा जाए क्या? जैसे अल्टो, उसका नाम तो बिल्लो है, पर इसका नाम क्या रखें? अगर आपके दिमाग में कुछ हो ना तो सजेस्ट करिएगा मेरे को, ड्राइवर का भी कुछ नाम रखें। और देखो कितनी गजब की अब गाड़ी चमक रही हो, क्योंकि स्टार्टिंग में देखा था ना गाड़ी कैसी लग रही थी, और अभी देखो। जय श्री राम। चलो होता कुछ गाड़ी में है, कुदती वो है, पर दर्द मुझको होता है। देखो हम लोग यहाँ से भी चल सकते हैं, पर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग तो बनती है ना। अरे मारी गाड़ी किसी थार तक कम है के है? छोटी मोटी ऑफ रोडिंग तो यार कर ही लेती है, देखो वहाँ नीचे से ऊपर चढ़ाई आराम से। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा है कि गाड़ी नीचे से बिल्कुल टच होती नहीं है कभी भी। ये वाला पहाड़ देख रहा हूँ, किसी दिन मैं इसके ऊपर अपनी ड्राइवर लेके चला जाऊँ क्या? जा पाएगी? देखो देख के समझता हूँ फिर आपको बताऊँगा। अरे नहीं, साइड अच्छी दे दी। अरे हाँ चली जाएगी, देखो वहाँ ऊपर तक जहाँ पर एक वो पत्थर रखा हुआ है, यहाँ यहाँ तक तो मेरी गाड़ी आराम से चली जाएगी ऑफ रोडिंग में, और या फिर ये यहाँ तक भी इतना चढ़ते हुए चली जाएगी। आपको ये देख के कैमरे में लग रहा होगा कि कम है, पर असलियत में काफ़ी है। तभी मैं पीसफुली घूम ही रहा था कि मेरे पापा का फ़ोन आया कि कार लेके जल्दी से घर आओ, उनको कहीं पे जाना है। तो मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ा सा गाड़ी को फुल पावर भगा भी लेते हैं, और ये देखो अब गाड़ी अपनी मस्त भागेगी। 80 पहुंच गई, एक बीप आ गई 80 वाली। अरे बोले रोज देसी जी लगा नट्टो सामने से। देखो ये नो एंट्री वाले ट्रक, ठीक है, पिछले व्लॉग में भी ये ट्रक अगर यहाँ पे ना हो ना तो मैं आराम से अपनी गाड़ी को 100 चढ़ा सकता हूँ, पर चढ़ा तो अभी भी अपने गाड़ी को 100 सकता हूँ यहीं पे। पर ये जो आगे कुछ आ जाते हैं ना, देखो जैसे आगे बोलेरो एक भाग रही है, देखो बोलेरो के अंदर जो लोग बैठे हैं, ये मुझे सबसे पीछे वाला ऐसे देख रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि मैं अपने दाढ़ी पे फ़ोन लगा के क्या कर रहा हूँ इस समय।
भाई छोटे मोटी जगह से भी व्लॉगर्स निकल आते हैं कभी कभी, बस पब्लिक का सपोर्ट रहे भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे अपन भी। देखो अब इसे वॉलटेक करते हैं, यहाँ पे करूँ तो मैं अभी भी कर लूँ, पर आगे से अगर कोई आ रहा होगा ना तो उसकी शहादत हो जाएगी यहीं से। अब भागेंगे, स्ट्रीट रेस लगा लो। स्ट्रीट रेस में भाई तुम्हारे भाई से कोई नहीं जीत सकता, स्ट्रीट रेस में तुम्हारा भाई एकदम और कंट्रोलिंग है, स्ट्रीट रेस में तुम्हारे भाई को कोई नहीं हरा सकता ब्रो। देखो जितनी अच्छे से तुम्हारा भाई गाड़ी कंट्रोल कर लेगा, जितने अच्छे से तुम्हारा भाई रोक लेगा, चाहे 100 पे गाड़ी हो चाहे जितने पे हो, देखो 10.8 का माइलेज, भाई माइलेज अगर निकालने पे आओगे ना तो गाड़ी में मज़ा नहीं ले पाओगे, बस यही बात होती है। वरना माइलेज निकालना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है यार, अभी 10 का है ना, 20 का मैं इससे माइलेज निकाल सकता हूँ, पर अभी जल्दी में हूँ तो आपको निकाल के दिखाऊंगा नहीं। ये देखो 80 पे अपनी गाड़ी मस्त भाग रही है और पापा का फ़ोन है भाई। आपने एक मीम देखा होगा ना, सबसे पहले आपको घबराना नहीं तो हूँ सानू घबरा दे, हूँ तो सानू घबराना है। ये देखो बाइक वाइक से आगे अच्छे हट जाओ भैया, शहीद हो जाओगे। पर ना हूँ सानू घबरा दे, हूँ सानू डर लगता है। अरे अरे भैया यमराज आ गए हैं सीधा भैंसे पे बैठ के भाई, ये सारी इनसे। देखो उधर यमराज, इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब एकदम आसपास दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। अगर स्पीड में आओ ना कंट्रोल कर पाओ तो बस यमराज तो ही हैं, और अगर यमराज नहीं ले जा पाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओगे, और अगर उनका ले जाने का मन होगा भी तो आप अंदर इमरजेंसी बेड से भी उठ के पहुँच जाओगे। देखो 80 तो अपनी गाड़ी को मैं यूँ चढ़ा देता हूँ, ये चढ़ गई। और देखो मतलब ऐसा नहीं कि एकदम खाली रोड है, 80 पे घुमाओदार, पर ये औरतों से मैं बहुत डरता हूँ, कूद गई थोड़ा सा। पर ये ना कि अपनी गाड़ी कभी नीचे से टच नहीं होती। क्या भैया क्या है, क्या है, क्या जाना है, क्या जाना है, क्या हट जाओ। अरे ट्यूबी भैया बहुत संभल के रहो, पलट जाती है चलती फिरती, चलती रहती है चलती रहती है, और ये भी नहीं कि पलटने जैसा पलटे, कोई डेंट नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे चलती हुई गाड़ी ऐसी पलटी हुई खड़ी हो जाती है। तो यार अभी पापा को गाड़ी देते हैं, फिर देखते हैं कि पापा कब तक वापस आते हैं, रात तक आज अपन घूमेंगे। तो अभी मैं घर के पास आ चुका हूँ, तो मिलते हैं बाद में जब पापा आ जाएंगे। तो गाइस फाइनली जिसका डर था वही हुआ, इतनी मेहनत से मैंने पूरी गाड़ी धोई थी और फिर से एकदम मस्त वाली झमाझम बारिश होने लग रही है। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30, तो अभी मैं जिम से वापस आया तो सोचे लाओ थोड़ा सा घूम आऊँ, तब बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने अपने घर से गाड़ी निकाली, एकदम साफ मौसम था, वैसे ही बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई। तो हमने कहा ये भी ठीक है, थोड़ी दूर तक जाके घूम आएंगे, रात वाला बारिश का मज़ा भी ले लेंगे और इसी बहाने अपने व्यूअर्स को रात की भी थोड़ी सी ड्राइव दिखा देंगे। मेरा मन ये था कि अभी ट्रक वगैरह नो एंट्री वाले खुले होंगे तो हम लोग चलेंगे इधर हाईवे साइड और फोर लेन हाईवे, वहाँ पर मस्त गाड़ी भगाते हैं, मज़ा आती रात के टाइम पर। तो देख रहे हो आप लोग सामने का बिल्कुल कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा है, और ये ऐसे ट्रक वक वाले आ जाते हैं ना रात के टाइम पर। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और अभी रुकी भी है तो रोड्स एकदम वेट हो चुकी है, और तब भी थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में बूंदाबांदी होने लग रही है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री राम।